गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं कैमरा स्टोरी। मैं छत पे आ गई हूँ चिड़ियों को खाना देने के लिए। आज का मेरा नो शूट डे है, आज कोई शूट नहीं है, आज मेरा काइंड ऑफ रेगुलर डे है। आपको दिखाऊंगी कि मेरा रेगुलर डे कैसा होता है। मैं थोड़ा सा हकला गई हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी। आज के दिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, वो एल्बम्स डिलीवर करनी है। आज अराउंड 9 एल्बम्स हैं जो हमको डिलीवर करनी है। तो सबसे पहले मैंने यही स्टार्ट किया कि एक एक एल्बम पैक करके सारा कुरियर पे लगाना है। ये सारे एल्बम्स चेक मैंने कल ही कर लिए थे, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने डिस्पैच नहीं किया कल, क्योंकि कल जाना था शाम को शूट पे। आई गेस डिलीवरी वाला आ गया है, तो बस डिलीवरी वाला भैया मुझे पहला एल्बम दे के शुरू करता है काम। मम्मी ड्यूटीज भी साथ साथ चल रही है, वीर स्कूल से आ गया, बस बिल्कुल लेने जा रहे हैं, उसकी वैन पहुंचने वाली है। हमने ओ वीर ने आज स्कूल में क्या सीखा मम्मी? हाँ चेस बोर्ड खेला वीर ने। थोड़ा सा कि हम स्लीप करेंगे। पता है हम थोड़ा सा स्लीप करेंगे क्योंकि वीर को अब ट्यूशन क्लास भी जाना है, तो वीर को थोड़ा सा रेस्ट करना है। वीर को खाना खिला दिया है, कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज करा के उसको सेट कर दिया। अभी एक घंटे वो रेस्ट करेगा, उसके बाद वो जाएगा अपनी ट्यूशन क्लास और तब मुझे मिलेगा एक अच्छा टाइम जब मैं बैठ के अपना ऑफिस वाला काम करूंगी। जिस दिन मैं ऐसे घर से काम करती हूँ ना, उस दिन मुझे ऐसे फर्श पे बैठ के काम करने में बड़ा मजा आता है। ये भैया वीर को ट्यूशन अभी ना छोड़ के आए, मैं बस लेने जा रही हूँ। क्लास कंप्लीट हो गई है, उसके बाद देखते हैं थोड़ा मस्ती करेगा, पार्क जाएगा या फिर सीधे घर आएगा। ये देखो शैतानियाँ इस बच्चे की। वीर हेलो भैया, डायनासोर। मेरे आज के प्लान में थोड़े से चेंजेस आए, मुझे पहुंचना पड़ेगा ऑफिस क्योंकि ऑफिस का एसी खराब हो गया था और मैंने एसी वाले भैया को 2-3 दिन पहले बोला था। अभी उनका फोन आया कि मैं आ रहा हूँ ऑफिस में एसी ठीक करने। मैंने कहा भैया आ जाओ वरना बिना एसी के ना तो मौत होने वाली है। जो यहाँ से टपकता है ना, यहाँ से पहले भी ये हुआ है 2-3 बार, यहाँ से आप पहले भी तो आ चुके हो ना कई बार ठीक करने आया, सेम यही समस्या है, पानी टपकता है। ये पूरी टेबल खराब हो गई, साइड वाली पूरी फूल गई, बहुत दिक्कत है इसमें, और जबकि ये खाली होता है तब भी गिरता है। इसको ठीक करो वरना ये बहुत दिक्कत है, यहाँ बैठ नहीं सकते। एसी ठीक हो गया, चलो जी अभी चैन आया कि गर्मी में नहीं बैठना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ था, एसी के बीच से पानी टपकने लगा था। अभी भैया सब कुछ ठीक करके गए, जितनी देर वो ठीक कर रहे थे ना उतनी देर मैं ऐसे ही फोन में मजे मार रही थी। आज एक आर्टिकल भी पढ़ा और सेम वही चीज ना, जब मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी ना, इतने सारे उस गाने पे वीडियो आया। आपने वाला गाना देखा है ब्लॉकबस्टर, पाकिस्तानी जो गाना आया है, आज उसके बारे में सुबह एसटी सिटी में मैं पढ़ के भी आई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें सबसे मजेदार मतलब जो चीज मुझे बड़ा ना मेरा अटेंशन ग्रैब करने वाली थी वो है वो जो बच्ची है उसमें 12 साल की। तो अभी अभिनव का फोन आया कि ऑफिस में क्या हो रहा है, तो मैंने बताया कि एसी ठीक हो रहा है और मैं ऐसे खाली बैठी ये वाला गाना देख रही हूँ ब्लॉकबस्टर। तो अभिनव ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, जो बच्ची है उसकी जो लाइंस है वो एक्चुअली उसकी ओरिजिनल लाइंस है, वो अपने भाई को सुला रही थी वही लाइंस गा के, तो जिसका ये गाना है उसने वो लाइंस सुन लिए, तो उसने फिर इस बच्ची को अपने इस गाने में ऐड किया है और उन्हीं ओरिजिनल लाइंस के साथ ऐड किया है। वेरी इंटरेस्टिंग ना।
आज के इस ब्लॉग को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।